हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अमित एंड आप देख रहे हो मोडिफाइड ब्लॉग्स। काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूं मैं और उसका रीज़न बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग है, तो मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। मैं आपको आज ले चलता हूं सीधे अपने हेलमेट की तरफ। यहां पे आप देख सकते हो मेरे हेलमेट की कंडीशन क्या हो रखी है। तो ये जो कंडीशन है ये इसलिए है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इस हेलमेट को यूज़ नहीं करा था। मोस्टली जो सिटी में इधर उधर जाना होता है ना, तो मैं हाफ फेस हेलमेट यूज़ कर रहा था। आरी वाला रॉयल एनफील्ड का जो हाफ फेस हेलमेट होता है ना, बाइक के साथ आता है। बट अभी जैसे ठंडी बढ़ती जा रही है तो ज़रूरत पड़ती है आपको पूरा फेस कवर हो, तो वो बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो मैं हाफ फेस हेलमेट के अगेंस्ट हूँ बिकॉज हाफ फेस हेलमेट सेफ़ नहीं है। बट मैं फिर खुद ही यूज़ कर रहा था बिकॉज ये काफ़ी टाइम से गंदा हो रखा था। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इसको आज साफ़ किया जाए अच्छे से और इसको रेडी किया जाए ताकि मैं इस हेलमेट को यूज़ कर पाऊँ। तो आप देखो यहाँ पर चीक पैड्स की कंडीशन, ये काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए हैं, फंगस वगैरह काफ़ी ज़्यादा लग चुके हैं इस पर क्योंकि बहुत टाइम से मैंने यूज़ नहीं किया इस हेलमेट को और ये बस पड़े हुए हैं। जब से मैंने अपना एक्सोर वाला हेलमेट लिया है ना, मतलब वो पीछे रखा हुआ है वहाँ पे, अगर आपको दिख रहा हो तो मेरा पर्सनल जो हेलमेट है। बाकी तो ये तो सब सेल के लिए है मोटोफाई स्टोर एज़ यू नो। तो ये जो है अभी इसको मैं आज बिल्कुल पूरा रिस्टोर करने वाला हूँ। कंडीशन देखो आप यहाँ पर धूल मिट्टी वगैरह कैसे ज़्यादा हो रखी है इसके ऊपर। और ये जो वाइज़र है, अब आप सोच रहे होगे इस पर एंटी फॉग वाला फिल्म वगैरह कुछ तो है नहीं, तो इसको यूज़ कैसे करेंगे अगर विंटर में यूज़ करने वाला हूँ। तो ये आपके साथ भी हो सकता है क्योंकि जब वाइज़र क्लोज़ करते हो तो विंटर्स में क्या होता है, फॉगिंग होना शुरू हो जाता है और आपको दिक्कत होती है, फिर आपको वाइज़र खोलना पड़ता है तो हवा लगती है, तो एक डेडलॉक कंडीशन हो जाती है यहाँ पर कि आप वाइज़र खोलोगे तो दिक्कत, ना खोलो तो दिक्कत, हवा लग रही है क्या करें। तो उसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को क्लीन करूँगा, तो इसके अंदर जितना भी इंटरनल जो भी है ना सब कुछ निकालूंगा और अच्छे से इसको वॉश करेंगे आज। इसको वॉश करके और फिर इसको रेडी करेंगे बिकॉज़ यहाँ पे अगर मैं जो स्प्रे फोम वगैरह जो चीज़ें होती है ना हेलमेट क्लीन वाले, वो अगर मैं यूज़ करूँगा तो काम बनने वाला नहीं है बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा है। इसको अच्छी तरह से वॉश करने की ज़रूरत है, तो मैं इसको वॉशिंग करूँगा एंड इसके बाद फिर आपको बताऊँगा कैसे इस हेलमेट को मैं बिल्कुल नया जैसा कर देता हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को और इस हेलमेट को करते हैं रिस्टोर। तो देख सकते हो हेलमेट की जो कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा गंदी हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा ये अंदर से पूरा गंदा हो चुका है। हालांकि इस हेलमेट को मैंने यूज़ ज़्यादा नहीं किया है, कुछ एक साल यूज़ किया होगा, इसके बाद एक साल से भी कम टाइम यूज़ किया है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो पूरा इनर लाइनर है ना इसको निकाल रहा हूँ अच्छे से। ये एक्चुअल में अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर जो लाइनर है पूरा डिटैचेबल है, तो ये पूरा निकल गया अच्छे से, ठीक है। अब बचता है ये थर्माकोल वाला, अब इसको भी अच्छे से डिसइंफेक्ट कर दूंगा मैं और इसके बाद इसको क्लीन कर देंगे। और जो बचते हुए ये चीज़ है, ये जो स्कल वाला एरिया है, ये वाला पैडिंग, साइड चीक वाली पैडिंग है, इनको मैं अभी वॉश करने वाला हूँ। तो चलो मैं दिखाता हूँ किस तरह से इसको वॉश करना है। तो ये ले लिया मैंने थोड़ा सा पानी, अब इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ ईजी। आप कोई भी ऐसा लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ईजी ज़रूरी नहीं है। मेरे पास ये है तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। पानी थोड़ा सा मैंने वार्म लिया है, हल्का गुनगुना, वैसे भी ठंडा मौसम है तो, और इससे ईजिली वॉश हो जाएगा पूरा। स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है आपको, कि आप सोचो कि रिन से रगड़ लें तो वो काम नहीं करना है। इसको थोड़ी देर इसमें सोक करेंगे, ठीक है ना, ज़्यादा रगड़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि थोड़ी देर बाद पूरा जो डर्ट स्किन है सेटल है वो निकल जाएगी। तो इसको हो जाने देते हैं, हार्डली 20-30 मिनट्स लगेगा ये पूरा अच्छी तरह से सोक हो जाएगा और जो भी गंदगी है सब निकल आएगी। तो इसको करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अब आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरह से वॉश हो चुका है, सारी जो गंदगी थी डर्ट वगैरह सब यहाँ पे इस फोम के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे ये गंदगी पूरी आ चुकी है, ठीक है ना, पानी पूरा गंदा हो रखा है। तो बस इसको अब थोड़ा सा पानी से, क्लीन वाटर से वॉश करेंगे एंड इसको अच्छी तरह से, जितना भी इसके अंदर पानी सोख गया ना या फोम अभी इसके अंदर दिख रहा है, झाग दिख रहा है बिकॉज अभी ये ईजी में था, तो इसको वॉश करके और अच्छी तरह से इसके अंदर पानी निकाल के और इसको ड्राई करेंगे। धूप में रखने के बाद इसको फिर मैं लेके आता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस जब तक इसका इनर लाइनर सूखता है ना तब तक मैं इस हेलमेट को क्लीन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ मोटूल का MC केयर E5 हेलमेट, इनसाइड एंड आउट क्लीन करता है, तो ये हेलमेट के लिए बना है, शाइन एंड गो।
आप चाहे तो कोई और ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे हेलमेट क्लीनर्स आते हैं, बट मेक श्योर आप कॉलिन वगैरह ऐसा कोई हार्श केमिकल ना यूज़ करें जिससे कि आपका जो शेल है वो ख़राब हो। तो यहाँ पे मैं ये हेलमेट के लिए स्पेसिफाइड जो क्लीनर्स होते हैं वही यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ और इसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं अच्छे से। ठीक है, ये अभी मैंने इसे बार बार शेल पे कर रहा हूँ मैं, फिर इसके बाद अंदर पे जाएंगे। तो ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लिया, फ्रूटी स्मेल है तो बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग आपको एक ऑर्डर देगा, यहाँ पे फ्रेगनेंस देगा। तो ये देखो हो गया अपना हेलमेट अच्छे से क्लीन, आउटर शेल तो ज़्यादा कुछ गंदा नहीं था, सिर्फ धूल वगैरह थी, तो वो चीज़ पूरी हट चुकी है। तो ये हो गया अपना हेलमेट बिल्कुल प्रॉपरली क्लीन बाहर से। अभी अंदर से थोड़ा बहुत रहता है वो मैं क्लीन करता हूँ। तो अंदर पे भी यही सेम चीज़ काम करना है। ये देख सकते हो जो थर्मोकॉल वाला एरिया ना EPF, इसको हम वॉश इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये वॉश करने से ख़राब हो जाएगा और पूरा हेलमेट अंदर से गीला हो जाएगा, ये सूखने में काफ़ी टाइम लगाता है। एंड ये चीज़ ख़राब हो जाने से आपका हेलमेट किसी काम का नहीं रहेगा, बिकॉज ये होता है सेकेंड लेयर जहाँ से आपका जो इम्पैक्ट होता है वो हैंडल करता है ये EPF फोम। तो ये चीज़ डैमेज नहीं होनी चाहिए, शेल तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके बाद ये जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम सिर्फ रफली क्लीन करने वाले हैं, बिकॉज इसके अंदर एक और लेयर आती है जो आपको मालूम है स्कल को प्रोटेक्ट करती है, स्कल के लिए एक पैडिंग दी गई है जो अभी हमने निकाल के धूप में रखी है, तो वो चीज़ लगनी है। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इससे हम क्लीन कर देते हैं और इसके बाद अंदर से ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। चलो, तो बेसिकली यहाँ पे मैं डिसइनफेक्ट कर रहा हूँ, इसको वॉश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। अंदर जो गंदा है बस वो धूल मिट्टी है, जो मेन लाइनर होते हैं वो गंदे होते हैं, तो लाइनर को हमने धो दिया, वॉश कर दिया अच्छे से, और वो सूख रहे हैं। सूखने के बाद इसके अंदर हम फिट करेंगे। मीनवाइल अपना हेलमेट भी अंदर से क्लीन हो चुका है, ये देखो अच्छे से पूरा क्लीन हो गया है और काफ़ी अच्छी इसमें से फ्रेगनेंस आ रही है अब। यस, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके अंदर एक इंटरनल वाइज़र भी है, तो इसको भी मैं इससे से क्लीन कर लूँगा रफली। अब करना बस ये है कि अपने को लाइनर लाने हैं जो सूखने के लिए रखे हैं, वो जब सूख जाते हैं तो इसके अंदर लगाएंगे। एंड इसके बाद जो ट्रीटमेंट है वो अपना है इस वाइज़र पे। ये वाइज़र को कैसे हमको एंटी फॉग बनाना है, मतलब यहाँ पे फॉग ना जमे, वो चीज़ करना है। अभी देखो, ये देखो, ये जो फॉग होती है ना बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। अगर आप राइड कर रहे हो और जब हेलमेट बंद होता है तो आप सांस भी लेते हो तो यहाँ पे फॉग पड़ जाती है। तो इसको भी हम अभी क्योर कर देते हैं तब तक जब तक हमारा लाइनर सूख रहा है। तो इसको करते हैं, इसके लिए मेरे पास एक और अच्छा एक प्रोडक्ट है, दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइज ये है प्रोडक्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, ये है एंटी फॉग फ्रॉम विस्टा। तो ये काफ़ी काम की चीज़ है, आप इसको कार में भी यूज़ कर सकते हो, अपनी बाइक के हेलमेट में यूज़ कर सकते हो। जो रेयर व्यू मिरर्स होते हैं उसमें भी कई बार फॉग जमती है, ओस जमती है, तो विंटर्स के टाइम उस पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। इंटरनल वाइज़र पे भी ऑफकोर्स आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर आप वाइज़र यूज़ करें, हालांकि मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज ये टेंटेड है, मर्कुरी वाइज़र है तो डार्क दिखता है, तो विंटर्स में तो बिल्कुल इसको यूज़ नहीं करना है। क्लियर वाइज़र यूज़ करो, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर आपको विंड से बचना है, तो क्लियर वाइज़र ही मैं रिकमेंड करूँगा सबको। तो अब इसके ऊपर हम इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था किस तरह से फॉग जमती है, एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखो फॉगिंग हो रही है ना, ठीक है। अभी क्या करना है हमको, एक क्लीन माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेना है, इसको हम हटा देते हैं पहले। तो ये है अपना प्रोडक्ट, इसको एक अच्छा सा शेक देंगे एंड इसको यहाँ से स्प्रे करेंगे, ठीक है। ये प्रॉपरली इसमें स्प्रे हो जाएगा पूरा, ठीक है। थोड़ी सी इसकी स्मेल जो है स्ट्रॉन्ग है, तो अच्छे वेंटिलेटेड स्पेस में आपको इसको अप्लाई करना है। ये देखो मैंने कर दिया, एक दो मिनट रुकेंगे, हार्डली एक से दो मिनट आपको रुकना है बस, इसके बाद हम इसको क्लीन कर लेंगे और इसका ये काम देखना आप किस तरह से करता है, ठीक है। जब तक ये होता है तब तक कुछ करने को है नहीं, तो जस्ट वेट एंड वॉच।
मिलते हैं 2 मिनट बाद। ऑल राइट, तो आई थिंक ये हो चुका है, इसको हम अच्छे से वाइप कर देते हैं, बिकॉज़ ये चीज़ जो है ड्राई नहीं होती, आपको इसको वाइप करना पड़ता है। तो ये मैं इसको वाइप कर दे रहा हूँ अच्छे से अंदर और बाहर से। अभी एक लेयर फॉर्म हो चुकी है इसके ऊपर, एंटी फॉग की जो ये प्रोडक्ट है इसका एक लेयर फॉर्म हो गई है, ठीक है ना। अच्छे से इसको ड्राई कर लेना है। सेम काम आपकी कार की विंडशील्ड पे करेगा ये, तो जब फॉग होता है स्टीम जैसा बनने लगता है एसी वगैरह ऑन करने से, या जब आप हीटर ऑन करते हो, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाती है विंटर्स के टाइम। तो यहाँ पे इस तरह से आप अपने विंडशील्ड पे भी लगा सकते हो इसको। और अब देखो इसका कमाल, ये हो गया पूरी तरह से ड्राई, देख सकते हो पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर फॉगिंग करने वाला हूँ। ये देखो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, यानी कि ये आपको जो फॉगिंग वाला जो प्रॉब्लम थी ना वो इससे सॉल्व हो चुकी है यूजिंग दिस विस्ता एंटी फॉग प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, एंड यू कैन ऑल्सो बाई इट फ्रॉम आर स्टोर motofystore.in। ये हो गया अपना ये वाइज़र, इसको लगा लेते हैं, एंड इसके बाद हम लगाएंगे अपने इनर लाइनर्स। ये हो गया अपना वाइज़र फिट, ठीक है प्रॉपरली। ये एंटी फॉग वाइज़र है, इसके ऊपर हमने कोई फिल्म या कुछ ऐसा नहीं लगाया, इसके ऊपर फॉग पड़ेगी ही नहीं। देखा आपने कमाल, तो ये था इस प्रोडक्ट का मैजिक। सो फाइनली गाइज, अपना जो हेलमेट का इनर लाइनर था पैडिंग, वो पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। एंड अभी आप पीछे देख रहे हो काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, बिकॉज ये वीडियो शूट हो रहा है ऑलमोस्ट 1 वीक बाद, काफ़ी सारे काम आ गए थे बीच में। एनीवेज, तो अपना जो पैडिंग है प्रॉपरली, जो इसके इनर लाइनर्स थे वो सूख चुके हैं। मैंने अपना जो दूसरा हेलमेट है उसको भी मैंने अंदर से पूरा वॉश कर दिया था, तो अब जल्दी से इसको मैं लगा लेता हूँ, इसके बाद बताता हूँ क्या क्या चीज़ें अब इसमें रहती हैं। चलो उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर से, पहले मैं इसको जल्दी से लगा लेता हूँ, ठीक है ना। तो गाइज, इसी के साथ मेरा जो हेलमेट है ये प्रॉपरली फिर से रिन्यू हो चुका है एक तरह से, अब इसको दोबारा से मैं हेलमेट को यूज़ कर सकता हूँ। चलिए इसको रखता हूँ यहाँ पे और बताता हूँ इसके बारे में। तो इसका सीन ऐसा हो गया था कि जब बारिश में भीग गया था, तो इसको मैंने ला के ऑन करने की कोशिश की, जो कि नहीं करना चाहिए था, बट फिर भी मैंने किया। मैंने को लगा मैं भी शायद पानी नहीं गया होगा, बट पानी जा चुका था और वो सर्किट ख़राब हो गया था। और ख़राब क्या हुआ था, ख़राब हुई थी ये छोटी सी चीज़ जो है इसका चार्जिंग वाला जो सॉकेट होता है, पिन होता है, वो चीज़ ख़राब हो गया था। उसकी वजह से बैटरी डिस्चार्ज थी, और जब बैटरी डिस्चार्ज थी तो ये ऑन ही नहीं हो रहा था। तो इसको मैं डेली थोड़ा चार्ज करता था और इसके बाद चेक करता था कि ऑन हो रहा है कि नहीं, बट ये ऑन नहीं होता था हर बार। तो फिर मेरे को लगा मे बी इसको खोलना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इसके सारे नट बोल्ट स्क्रूज सब कुछ खोल दिया। खोल के जो चिप निकला उसमें पता चला ये जो चीज़ थी वो ख़राब हो गई थी, तो बस इसको रिप्लेस कराया मोबाइल शॉप पे, ये इजीली हो गया। उन्होंने यहाँ पे सोल्डिंग कर दी, नया लगा दिया, और बिल्कुल अभी प्रॉपरली काम कर रहा है। तो ये फिर से फंक्शनल हो चुका है। तो इसके ना बेसिकली 3 मोड्स हैं, और किस तरह से काम करता है, कैसे इंस्टॉलेशन रहता है बाइक के साथ, कैसे ये कॉन्फ़िगर होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ डिटेल्ड, वो आप जाके देख सकते हो। ऊपर आई बटन पे भी आपको ये दिख जाएगा, तो मेक श्योर आप उस वीडियो को जाके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये, काफ़ी यूज़फुल है अगर आप नाइट राइड कर रहे हो, स्पेशली विंटर्स वगैरह के टाइम, फॉगी वेदर जो होता है वो। तो ये एक चीज़ हो गई जो मेरे हेलमेट में यहाँ पर इस तरह से लगती थी, तो ये चीज़ भी रिपेयर हो चुकी है, ठीक है। ये हो गया, अब बचता है सिर्फ एक ब्लूटूथ सिस्टम। ब्लूटूथ सिस्टम ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा था यहाँ पे, जो मैं अपने स्टोर पे भी रखता हूँ, BSDDP का। गाने वगैरह सुन सकते हो, फ़ोन पे बात कर सकते हो, तो सारी चीज़ें इससे इंफोटेनमेंट सिस्टम ये आपका पूरा हो जाता है। प्लस जब भी कॉल आएगा तो ऑटोमेटिकली पिक हो जाता है, तो आपको बार बार फ़ोन की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है, आप इसको मेरे स्टोर से बाई कर सकते हो, अदरवाइज़ यू कैन बाई इट फ्रॉम अमेज़ोन। अमेज़ोन पे आई थिंक 2200 का है, और मेरे स्टोर से आपको ये 2000 का पड़ेगा। इसकी बेस्ट स्पेलिंग हमेशा की तरह नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए ये तो हो गया सिंपल ब्लूटूथ। इसके बाद ये आ चुका है अपना ब्लू आर्मर का C30। ये अब मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने नए वाले हेलमेट में, मतलब जो मैं राइडिंग हेलमेट यूज़ करता हूँ एक्सोर का टर्बाइन, तो उसमें यूज़ करूँगा मैं ये C30।
अब ये फुल फ्लेश्ड ब्लूटूथ सिस्टम प्लस इंटरकॉम है, तो इंटरकॉम भी मैश वाला है और काफ़ी सारे इसके ना नए फीचर्स हैं, मतलब नए फीचर क्या बोल देंगे, प्रोडक्ट ही नया है ऑल टुगेदर और काफ़ी अच्छी इसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है जो कि फुली मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है ये। अप टू 20 यूज़र इसको कनेक्ट कर सकते हैं एक टाइम पे, और इसमें आपको जो साउंड है वो JBL की तरफ से मिलता है और राइट ग्रिड करके यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ की है, ब्लूटूथ 5.1 है और IP67 यानी वाटर प्रूफ ये दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी इसकी बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है ये, तो इसके बारे में भी बहुत जल्द वीडियो आने वाला है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिनिश होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग मोटिफाइड ब्लॉग, स्टे सेफ, राइट सेफ एंड गुड बाय।